माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बेम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपका टॉपिक है BA पार्ट थर्ड और उसके अंदर पेपर फर्स्ट यानी भारत का भूगोल। इससे पूर्व हमने जो अध्ययन किया था उस टॉपिक का नाम था विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में कृषि का विकास। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल बुक्स में से भारत में हरित क्रांति का विकास और उससे कौन कौन से लाभ हुए उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि हरित क्रांति एक्चुअल में है क्या चीज़ है। कुछ विकासशील देशों में, भारत जैसे देश में, कृषि उत्पादन विशेषतः खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए की गई क्रांति, कृषि क्रांति जो है वो हरित क्रांति कहलाती है और इसके अंतर्गत उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग, इसके अलावा नए कृषि यंत्रों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, संकर बीजों का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग करके और खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। अब बात करते हैं हम भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, जिन्होंने 1967 में भारत में हरित क्रांति को शुरू किया था। इसके जन्मदाता माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। इस उपलक्ष्य में उनको 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनका ध्येय यही था कि भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जब तीसरी योजना काल का टाइम था उस समय 1966 की बात है, उस समय उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं बढ़ा तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों की उपलब्धि की स्थिति विकट होती जा रही थी, तो सरकार ने इसको साकार करने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें उन्नत बीजों का प्रयोग, उर्वरक, नवीन टेक्नोलॉजी, सिंचाई सुविधाएं और अन्य विकास कार्यों को कृषि उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में माना जाता है और इस तरह से एक नवीन कृषि नीति का प्रादुर्भाव हुआ और इसी को हरित क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं विद्यार्थियों, तो भारत में इसकी शुरुआत 1966 और 67 में हो गई थी। और कुछ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा के एक समूह ने भारत में कृषि सुधार हेतु समुचित सुझाव दिए और उस सुझाव के आधार पर भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अंदर ये देखा गया है कि 66-67 में नई कृषि नीति में कृषि उत्पादन में त्वरित वृद्धि हेतु वैज्ञानिक पद्धति से कृषि को अपनाने, भूमि सुधारकों द्वारा भूमिहीन कृषकों को भूमि स्वामित्व के अधिकार देने, कृषि उपजों के लिए लाभकारी मूल्य दिए जाने के लिए बुनियादी परिवर्तनों को लागू करने के लिए बल दिया गया और इस तरह से भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें इस क्रांति का सूत्रपात हुआ। भारत में हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है हरित क्रांति के प्रमुख घटक, क्या क्या प्रयास किए गए भारत के अंदर हरित क्रांति के फलस्वरूप, ये इसके जो घटक है वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो घटकों के रूप में है, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग यानी संकर बीज काम में लिए गए, मिट्टी का परीक्षण कर यानी उसका लेबोरेटरी में परीक्षण कर और उनका एक्सपेरिमेंट करके मिट्टी में किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे उर्वरक तत्वों का उनमें प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए मृदा का परीक्षण पहले करना जरूरी है। कृषि उपजों की जो कीमतें हैं उनका निर्धारण किया गया, कीटनाशकों
या औषधियों का उपयोग किया गया, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया, खादों के उपयोग पर जोर दिया गया, भू संरक्षण पर बल दिया गया, विद्युतीकरण व्यवस्था पर बल दिया गया, फिर नवीन कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया, किसानों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, कृषि शोध और शिक्षा और शोध कार्य पर बल दिया गया, पौध संरक्षण के प्रयास किए गए, सुधरे हुए बीजों की व्यवस्थित व्यवस्था की गई, सघन कृषि जिला कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह से हरित क्रांति के जो है नुकसान कम हुए लेकिन फायदे बहुत ज़्यादा हुए। थोड़ा सा नुकसान हुआ, नुकसान क्या हुआ, सीमित फसलों पर प्रभाव पड़ा, कृषि उत्पादन में कम बढ़ोतरी हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, मिट्टी के उपजाऊपन का ह्रास हुआ, कीटनाशकों और रोगों का घातक प्रभाव सामने आया, पारिस्थितिकीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, क्षेत्रीय असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई, पूंजीवादी कृषि का विकास हुआ, यानी इसके नुकसान कम हुए और फायदे ज़्यादा हुए। प्रॉफिट्स में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के आयात में कमी, किसानों में समृद्धि का विकास हुआ, किसानों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, कृषि उपजों के मूल्य पर प्रभाव पड़ा, व्यवसाय कृषि का विकास हुआ, परिवहन संचार बैंकिंग बीमा सुविधाओं का प्रसार हुआ, कृषि मंडियों कृषि संबंधी शिक्षा और शोध का विकास हुआ, कृषि में वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकी का प्रसार हुआ, लाभ का पुनर्वरण हुआ, परंपरागत कृषि में परिवर्तन हुआ। फिर विद्यार्थियों, हरित क्रांति के जो स्थायित्व हेतु कुछ सुझाव इंडिया के अंदर दिए गए, यानी इसको व्यापक क्षेत्र में यानी सभी राज्यों के अंदर इसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है। हरित क्रांति के लिए यानी फसलों को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न फसलों को बढ़ाने के लिए बीमा एवं बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार किया जाए, किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए, एकीकृत फार्म नीति पर बल दिया जाए, छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति पर या उसकी अवेयरनेस पर जोर दिया जाए, नई कृषि नीति में सुधार किए जाए, उन्नत बीज की सुविधाएं हर सेंटर पर उपलब्ध कराई जाए, कुछ जो संस्थागत सुधार है वो किए जाए, भू जोतों की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया जाए, सभी किसानों को सिंचाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, बहुफसली प्रणाली को अपनाया जाए, परिवहन संचार व्यापारिक सुविधाओं कृषि मंडियों की स्थापना की जाए, कृषि यंत्रीकरण पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, जैव विविधता का विकास किया जाए, जल संसाधन संरक्षण पर बल दिया जाए। तो इस तरह से विद्यार्थियों, भारत के अंदर जो हरित क्रांति है उसका जो प्रभाव है वो देखा गया है। तो सबसे पहले ये इस तरह के सुझाव भारत के अंदर अपनाए गए। फिर हम मोटे तौर पर और निष्कर्ष तौर पर देखें तो भारत में जो हरित क्रांति है उसके कारण, यानी भारत में जो हरित क्रांति है जो 1966 और 7 और 68 के मध्य जब इसका विकास हुआ तो कई प्रॉफिट्स उससे भारत को प्राप्त हुए। क्या प्रॉफिट हुए? भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग को बढ़ावा मिला जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया, भारत में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, किसानों को ऋण आसानी से मिलने लग गया, जो ऋणग्रस्त किसान है उनके कर्ज माफी की योजना भी इसमें चलाई गई थी, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, नए कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर है थ्रेशर है आधुनिकतम यंत्र कृषि के अंदर काम में लिए गए, कृषि के अंदर फव्वारा पद्धति और नई सिंचाई पद्धति को काम में लिया गया जिसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत के अंदर वृद्धि हुई। जैसे पंजाब हरियाणा जो दो स्टेट हैं वहाँ पर वर्तमान समय में जो किसान हैं वो आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग करते हैं और इसके कारण वहाँ पर प्रति हेक्टेयर में आशातीत वृद्धि हुई, यानी गेहूँ के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वृद्धि पंजाब हरियाणा और यूपी तीन स्टेट्स के अंदर हो गई है। इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास हुआ, यानी किसान अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए यातायात सड़क मार्गों का निर्माण किया गया, विपणन की व्यवस्था यानी गवर्नमेंट बड़े बड़े जो गोदामों की स्थापना कर रही है और जो समर्थन मूल्य है उस पर किसानों का माल खरीदा जा रहा है जिससे कि उनको समर्थन मूल्य मिल सके। तो इस तरह से सरकारी नीति
के अंदर किसानों के ऊपर कितना व्यय किया जाना है, किसानों को कितना ऋण दिया जाना चाहिए, कितना कर्जा उनका माफ़ किया जाना चाहिए, तो सरकारी नीति उनके पक्ष में हो गई या सरकारी नीति के आधार पर किसानों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने लग गया। तो इस तरह से भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई है उसके अनेकानेक लाभ हुए, जिसके कारण वर्तमान समय में जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। और यहाँ पर खाद्यान्न की दृष्टि से हमारा देश जो है लगभग आत्मनिर्भर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।